हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल सब्जी, ग्रीन गुजरात की रेसिपी। स्पेशली शादियों में ही परोसी जाती है और ढेर सारी हरी सब्जियों को ग्रीन ग्रेवी में पकाया जाता है और इसलिए इसे ग्रीन गुजरात का नाम दिया है और ज़्यादातर गुजरात में ही ये बहुत ही प्रचलित है। ऊंधियों के बाद अगर किसी सब्जी का नाम आता है ना तो ये ग्रीन गुजरात का नाम आता है। बहुत ही फेमस है ये सब्जी, सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन गुजरात की रेसिपी शुरू करने से पहले आपको मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करना भूलना नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बाजू में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। और अगर आप सारी रेसिपी को गुजराती में देखना चाहते हो तो मेरी ममास किचन गुजराती को भी आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको सारी रेसिपी गुजराती में सीखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ग्रीन गुजरात की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले सब्जियां देख लेते हैं। एक छोटा सा कैप्सिकम लिया है, 50 ग्राम जितनी सूरती पापड़ी ली है, 50 ग्राम जितने अरहर के दाने लिए हैं, 50 ग्राम जितने हरे मटर लिए हैं और 50 ग्राम जितनी मैंने हरी चौली ली है। सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है, आप चाहे तो बड़े भी काट सकते हो। साथ में 50 ग्राम जितनी बीन्स ली है, 50 ग्राम जितनी पापड़ी ली है वालोर पापड़ी, 50 ग्राम जितना गवर फली लिया है और 50 ग्राम जितनी मैंने टिंडी ली है उसको राउंड कट किया है। साथ में ये वालोर पापड़ी के जो दाने हैं वो भी लिए हैं मैंने 50 ग्राम जितने। सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है, आप और भी अपनी मनचाही सब्जियां हरी जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है एक बैंगन मीडियम साइज़ का, हरा बैंगन जो आता है वो लिया है और साथ में 100 ग्राम जितनी दूधी ली है। छोटे टुकड़े में उसको कट करके पानी में ही रखा है ताकि वो काले ना पड़े। तो चलिए ग्रीन ग्रेवी की सामग्री देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप पालक ली है, साथ में 1 कप भर के मैंने धनिया लिया है, 10 से 12 हरी मिर्ची ली है और 2 इंच बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। यहाँ पर पालक ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ हरे धनिये की पेस्ट भी बना सकते हो। अब सारी सामग्री को मिक्सचर के जार में लेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो और पालक को भी आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी ग्रेवी थोड़ी थीक हो जाए इसलिए मैं पालक ऐड कर रही हूँ। अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी ऐड कर सकते हो। अब ग्रेवी हमारी काली ना पड़े इसलिए मैंने 1 नींबू का रस ऐड किया है, आप चाहे तो 1 आइस का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने में मैंने 2-3 चम्मच पानी भी ऐड किया था। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम बढ़िया ग्रीन कलर की पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए पेस्ट तैयार है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मुठड़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 छोटी कटोरी गेहूँ का दरदरा आटा लिया है। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप नॉर्मल वाले आटे में 2 चम्मच जितनी सूजी ऐड कर दीजिए। अब साथ में ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन ऐड करने से हमारी मुठड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 टेबलस्पून जितनी यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। मोइन हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है। साथ में 1/2 कप जितना बारीक चॉप की हुई मैं मेथी ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप जितनी मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और हमने जो पेस्ट तैयार की थी वो बड़ा 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। आप जितना तीखा पसंद करते हो आप ऐड कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने ऑयल भी अच्छे से डाला है और मेथी जो है उसमें भी मॉइस्चर रहता है। पेस्ट ऐड की है तो उसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमारा जो आटा है वो बाइंड कर रहा है तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है तो आप 1 या 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। तो चलिए हमारा मुठड़ी का आटा तैयार हो चुका है, उसमें से हम लोग छोटी छोटी मुठड़ी बना लेंगे। आप जो मन चाहे अपने शेप में मुठड़ी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो है वो बहुत ही छोटी छोटी कट की है तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी मुठड़ियाँ बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ओवल शेप की मुठड़ी बना रही हूँ। ये देखिए ओवल शेप की मुठड़ी ऐसे बनाते हैं। आप चाहे तो गोल वाली मुठड़ी या मुठड़ी के शेप में जैसे फिंगर प्रिंट रहती है ना, फिंगर का वो प्रिंट रहता है, ऐसी मुठड़ी भी बना सकते हो और चाहे तो गोल वाली मुठड़ी भी बना सकते हो। जो आपका मन करे आप मुठड़ी बना लीजिए, जो आपको ईजी रहे वो आप शेप दे दीजिए, फटाफट बना लीजिए। तो चलिए सारी मुठड़ी मैंने तैयार कर ली है और उसको एक स्टीमर की प्लेट में भी रख दी है। यहाँ पर मैंने एक स्टीमर में 2 ग्लास पानी भी ऐड करके गर्म कर लिया है।
अब उसमें तैयार की हुई मुठिया की प्लेट रखेंगे और उसको 10 से 12 मिनट तक हम लोग स्टीम करेंगे। ये बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाएगी और जब तक मुठिया स्टीम होता है हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून जितना यहाँ पर तेल ऐड करेंगे। तेल आप जितना कम या ज़्यादा ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून जितनी हींग ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, एकदम चुटकी भर। ज़्यादा हमें हल्दी ऐड नहीं करनी है, हमारी सब्ज़ी ग्रीन कलर की रहे इसलिए। अब उसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इस सब्जियों का कलर हरा रहे इसलिए मैं उसको पैन में ही पका रही हूँ। आप चाहे तो कुकर में एक विसल भी लगा सकते हो। इस सब्जी में आप कच्चा केला या आलू या सूरन भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है। अगर आप जैन हो तो ये सब्जी आप बिना टेंशन बना सकते हो। मैंने इसमें प्याज और लहसुन का भी उपयोग नहीं किया। अब उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स करके उसको पकाएंगे। अगर आपने सब्जियों को बड़ा बड़ा काटा है तो आप चुटकी भर सोडा भी ऐड कर सकते हो, तो फटाफट पक भी जाएगी और उसका कलर भी मेंटेन रहेगा। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को बारीकी चॉप किया है तो उसको बिल्कुल पकने में समय नहीं लगेगा, फटाफट हमारी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। अब उसको ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, बीच में एक बार देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मोठड़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है, उसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, एकदम हरी की हरी है, अच्छे से पक चुकी है। तो गैस की फ्लेम बंद करेंगे और उसको ढककर ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी सब्जी पकती है तब तक वो ठंडी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, सब्जी आधी पक चुकी है, फिर भी अभी थोड़ी कसर बाकी है पकने के लिए। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, अभी भी थोड़ा उसको पकाना है। ढककर 3 से 4 मिनट तक और रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, सारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। उसको ज़्यादा गलाना नहीं है, सारी सब्जियों का टेक्सचर ऐसे ही रहना चाहिए। अगर सारी सब्जियां गल जाएगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने के लिए, इसलिए ये स्टेज तक ही आपको पकाना है, कच्चे भी ना रहे और एकदम ओवरकुक भी ना हो। अब तैयार की हुई जो पेस्ट है हमारी हरी वाली वो ऐड करेंगे। इस पेस्ट को हमें लास्ट में ही ऐड करना है। अगर पहले से आप पेस्ट ऐड करोगे तो पेस्ट जो है हमारी काली हो जाएगी, सब्जी जो है हरी नहीं रहेगी, काली पड़ जाएगी। तो सारी सब्जियों को पकने के बाद ही हमें ये पेस्ट ऐड करनी है और सारी सब्जियों को पकाने के समय पे भी हमें गैस की फ्लेम स्लो रख के ही उसे पकाना है। तो चलिए, पेस्ट को मैंने मिक्स भी कर ली है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे नमक। 1 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। अब गुजरात की सब्जी है तो शक्कर तो बनती है। साथ में मैं सूरती ऊंधियों का मसाला ऐड करूँगी। अब अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल वाला मसाला भी ऐड कर सकते हो। आधी टी स्पून से भी कम मैंने ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर से हमारी सब्जी का कलर चेंज हो जाएगा। और ये जो सब्जी है कम से कम 5 से 6 व्यक्ति को हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा ग्रीन गुजरात बड़ी अच्छे से बन रहा है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा पानी ऐड और करेंगे, मिक्सर के जार में मैंने पानी ऐड करके और ऐड किया है, आधा कप जितना। अब सारी स्टीम की हुई मुठड़ी भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मुठड़ी को स्टीम किया है, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, मगर स्टीम करने से उसका कलर अच्छा रहता है। अगर फ्राई करोगे तो ब्राउन कलर की हो जाएगी। अब मुठड़ी को भी साथ में पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। तो तैयार है हमारा ग्रीन गुजरात, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, उसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सारी नई नई रेसिपी की अपडेट्स मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आती है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, गुजरात की प्रख्यात सब्जी ग्रीन गुजरात जो शादियों में परोसी जाती है तैयार है आपके लिए। इसे गर्मा गर्म रोटी पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी बनाने के बाद आपका मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।